हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेबी की मालिश कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, उसे मैंने हल्का गर्म करके अजवाइन के साथ गर्म किया है। इसे विंटर में मालिश करने से ना बेबी की बॉडी गर्म रहती है। तो हमेशा मालिश करने से पहले हम शुरुआत करते हैं बेबी का बैक एरिया से, पीठ साइड से। हाथ में तेल लगाने के बाद बेबी के पीठ पे हल्के हाथों से हम दबाव बना के बेबी पे मालिश करेंगे, ठीक इस तरीके से जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हम पैरों की मसाज करेंगे। पैरों की मसाज करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें पैरों को एकदम सीधा रखना है, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। पैर सीधा रखने का रीज़न ये होता है कि अगर हम अभी बेबी के पैर को सीधा रख के मालिश करेंगे तो फ्यूचर में बेबी का पैर कभी टेढ़ा नहीं होगा। बहुत से बच्चों का आपने देखा या सुना होगा कि बच्चे के पैर टेढ़े हैं, वो रीज़न यही होता है कि मालिश करते टाइम हम उनके पैरों को सीधा नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप इन बातों को ध्यान रखें। और पैरों के तलवों में भी ढेर सारा तेल भर भर के लगाए। अब हम बेबी की फ्रंट साइड पे ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले बेबी के हम नेक एरिया पे ऑयल लगा रहे हैं। बेबी के गले चिपके होते हैं ना, तो वहां पे तेल लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बेबी को यहाँ पे मैं 2 बूंद तेल चटा रही हूँ। इससे सर्दी खांसी वगैरह में बेबी को आराम मिलता है। अब हम पेट पे तेल लगा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बेबी के आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे अच्छी तरीके से दोनों साइड। उसके बाद बेबी के छाती पे और पेट पे हम तेल लगाएंगे। छाती पे तेल लगाने से ये होगा कि सर्दी जुकाम में बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बेबी के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके थोड़े साइड में तेल लगा रही हूँ। बेबी का हाथ पे तेल लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी के हाथ को हमें स्ट्रेट रख के ऑयल लगाना है अच्छे तरीके से, जैसे हमने पैरों में किया था सेम उसी तरीके से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। बेबी ना इस टाइम पे इंजॉय भी बहुत करते हैं मालिश करवाते टाइम। उन्हें बहुत रिलीफ फील होता है क्योंकि ऑयल लगाने से एक तो ये होता है ना कि बच्चों की पूरी थकान मिट जाती है। बच्चों का क्या है कि वो 24 घंटे हाथ पैर चलाते रहते हैं तो वो थक भी जाते हैं। बच्चों की हाथ की जो कलाइयाँ होती हैं उसमें आप एक एक उंगलियों पे अच्छी तरीके से बारीक तरीकों से ऑयल लगाएं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं पैरों के जो तलवे होते हैं वहाँ पे भी ऑयल लगा के आपको एक बारी दिखा दे रही हूँ। अब बारी है फेस एरिया की। उसके बाद हम फेस पे जो नोज़ एरिया है इसके कॉर्नर से दोनों तरफ से पकड़ के बेबी के नोज़ के साइड को उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मालिश का, नहीं तो इससे बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बेबी को खुद को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें। यहाँ की नसों को ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है, डॉक्टर खुद ये चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे। और बेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। और फाइनली बेबी की मालिश कंप्लीट हो चुकी है और बेबी बहुत हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।